बहुत ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर शोर मचाना ही मना कर दिया है। और यहाँ पर हर घंटे के बाद 5 मिनट प्रार्थना की जाती है। यहाँ पर हर धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भी धर्म है, हर धर्म के लोग यहाँ पर एंट्री भी ले सकते हैं और प्रार्थना भी कर सकते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आज मैं आपसे एक छोटी सी मांग कर रहा हूं। क्या आप तय कर सकते हैं कि 2022 आजादी के 75 साल के पहले हम कम से कम अपने परिवार के साथ भारत के कम से कम 15 टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे जाएंगे? वहां कठिनाइयां होगी तो भी जाएंगे, वहां अच्छी होटल नहीं होगी तो भी जाएंगे। कभी कभी कठिनाइयां भी जिंदगी जीने के लिए काम आती है। हम बच्चों को आदत डालें, यही हमारा देश है। और एक बार जाना शुरू करेंगे तो वहां व्यवस्थाएं विकसित करने वाले भी लोग आने लग जाएंगे। क्यों ना हमारे देश में 100 ऐसे बढ़िया टूरिस्ट डेस्टिनेशन डेवलप न करें? क्यों हर राज्य में 2 या 5 या 7 टॉप क्लास टूरिस्ट डेस्टिनेशन तैयार टारगेट करके तय करें और हम तय करें? हमारा नॉर्थ ईस्ट इतनी प्राकृतिक संपदा है, लेकिन कितनी यूनिवर्सिटीज होगी जो अपना टूरिस्ट डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट को बनाती है? ज्यादा कंट्रीब्यूट करना नहीं पड़ता है, आप तो 7 दिन 10 दिन निकालते ही हैं, लेकिन देश के भीतर ही निकालिए। आप देखिए, आप जहां जाकर के आएंगे वहां नई दुनिया खड़ी कर करके आएंगे, बीज रोपित करके आ जाएंगे और जीवन में आपको भी संतोष मिलेगा। और हिंदुस्तान के लोग जाना शुरू करें तो दुनिया के लोग भी आना शुरू करेंगे। Oh,